करते हैं बंगाल का, जहां तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेताओं ने बम मारो का फॉर्मूला दिया है। कौन है ये नेता? मदन मित्रा। हावड़ा हिंसा पर मदन मित्रा इस कदर बौखलाए हुए हैं कि उन्होंने भरे मन से कह डाला कि अगर उन्हें आला कमान से आदेश मिल जाए, अभी आदेश मिला नहीं है, अगर आदेश मिल जाता तो बाइक से दो लड़के जाते और देसी बम फेंक कर मामला वहीं रफा दफा कर देते। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तरण করছেন সুন্দর এরকম পরিবেশ, কিন্তু এই যে বিজেপি তিন দিন ধরে তাণ্ডব করলো, অসভ্যতা করলো, যাদেরকে মানে যখন তখন যে কোনো জায়গায় ভাঙচুর, তখন আমি বললাম হ্যাঁ এটা করেছে, এটা বিজেপি করেছে, এই কারণে করেছে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের নির্দেশ ছিল যে পুলিশকে তোমরা মারবে না, যদি মারার অর্ডার থাকতো তাহলে দু মিনিট সময় লাগতো না। এই যে ধরুন এখন আমরা মিটিং করছি, এখানে প্রায় 1000 লোক রয়েছে, এত মেয়েরা রয়েছেন, 400 মেয়েকে শাড়ি দেওয়া হচ্ছে। আমি যদি মনে করি এখানটা ফাঁকা করব, দুটো মোটর বাইক দিয়ে দুটো ছেলে চারটে বোম মারবে, ফাঁকা হয়ে যাবে। এর মধ্যে কোনো ক্রেডিট নেই, এর মধ্যে কোনো এ নেই, এটা গুন্ডাদের কাজ। আমরা চাইবো মানুষকে সমবেত করতে। मदन मित्रा का यह बयान वायरल हुआ तो सियासी तूफान आ गया। भारतीय जनता पार्टी ने खूब खरी खरी सुनाई। मदन मित्रा अब सफाई दे रहे हैं। मेरा दिल से आता था कि मोदी को कंग्रेचुलेट करें, तो व्हाइल आई वाज थिंकिंग टू कंग्रेचुलेट मोदी, मैंने देखा कि जन्मदिन पर वो सीता जी को भूलकर वो चीता जी को लेकर आया। तो क्या सीता जी चले गए? अभी चीता जी आ गए देश में, देश में आग जल रहे, चीता जल रहे हैं, क्या पूरा देश में आग लगाने चाहते हैं? ऐसे भाषा ये प्रयोग करते रहते हैं इनका, आप देखिए ये पूरे लाइफ ही ऐसे ड्रामा करके वो चले हैं। और मुझे लगता है कि सीएम मैडम का यहाँ पे ऐसे किस्म का जो ड्रामेटिक्स पर्सोने, हम बोलते हैं थिएटर करने वाले, इसी को नाटक नाटंकी करने वाले लोगों को चाहिए जो लोगों का मन जीतने के लिए, तो इसको हम कोई अटेंशन नहीं देते हैं और इसको इम्पोर्टेंस भी हम नहीं देते हैं।